ग्रामर सेक्शन शुरू करने वाले हैं, तो पेज नंबर 40 निकालेंगे सारे बच्चे, और जो भी बच्चे इस ऑनलाइन क्लास को अटेंड कर रहे हैं वो एक एक करके कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना अटेंडेंस बनाएंगे। C2 पेज नंबर 40, यहाँ से ध्यान देंगे, रिप्लेस द पर्सनल प्रोनाउंस गिवन इन ब्रैकेट्स विद पजेसिव प्रोनाउंस। ब्रैकेट में पर्सनल प्रोनाउन दिया गया है उसको रिप्लेस करना है पजेसिव प्रोनाउन से। द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू, पहला आपको करके दिखा दिया है, आइए देखते हैं C2 का 1। दिस हैट इज यू, यू का पजेसिव फॉर्म क्या होगा, योर्स। द डायरी इज आई का पजेसिव फॉर्म माइन। यहां लिखते जाएंगे सारे बच्चे। द ब्लैक कार इज वी का पजेसिव फॉर्म आर्स। द ड्रेस इज शी का पजेसिव फॉर्म हर्स। द ड्रेस इज हर्स। वी मेट दीपक एंड मीना लास्ट इवनिंग, हम लोग दीपक और मीना से पिछले शाम मिले। दिस हाउस इज दे का पजेसिव फॉर्म डियर्स। दिस हाउस इज डियर्स। हैडी हैड लॉस्ट हिज वॉलेट, हैडी ने अपना बटुआ खो दिया। दिस मस्ट बी हिज, ही का पजेसिव फॉर्म हो जाएगा हिज। ठीक है, उसके बाद आइए C.3। रीड दीज सेंटेंसेस। खुशी एंड ममता हैव अ पेट कैट नेम्ड मिमी। हैव यहाँ पर, यहाँ पर हैव को हाईलाइट किया गया है। खुशी और महिमा के पास एक पालतू बिल्ली है जिसका नाम मिमी है। शी हैज़ अ ब्यूटिफुल पिंक ड्रेस, इसमें भी हैज़ को हाईलाइट किया गया है। आई हैव टू पासेस फॉर द कंसर्ट, मेरे पास कंसर्ट के लिए दो पासेस हैं, इसमें भी हैव को अंडरलाइन हाईलाइट किया गया है। द वर्ब्स हैज एंड हैव आर यूज्ड टू स्पीक अबाउट नाउ, कोई घटना अभी अभी घटी है इसके लिए हम लोग हैज और हैव का यूज करते हैं। ठीक है, और भी कुछ सेंटेंसेस हैं, रीड दीज सेंटेंसेस। आई हैड अ ग्रेट टाइम एट द पार्टी यस्टरडे, कल पार्टी में मेरा समय अच्छा गुजरा था। वी हैड ब्रेकफास्ट एट 9 AM टुडे, वी हैड ब्रेकफास्ट एट 9 AM टुडे, आज हम लोगों ने 9 बजे सुबह नाश्ता किया था। द वर्ब हैड इज यूज टू स्पीक अबाउट इवेंट्स दैट हैपेंड सम टाइम बिफोर नाउ। हैड वर्ब का यूज हम तब करते हैं वैसे घटना के बारे में जब कोई घटना अभी से कुछ समय पहले घट चुकी है। द वर्ब्स हैज हैव एंड हैड शो ऑनरशिप और पोजीशन, इसमें जो हैज हैव और हैड वर्ड्स को वर्ब्स को हाईलाइट किया गया है, ये सभी वर्ब्स ऑनरशिप या पोजीशन शो करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग हैज हैव और हैड, हैज हैव और हैड का यूज करते हुए ये ब्लैंक्स को ठीक करना है, भरना है। आइए देखते हैं। आई यूजुअली डोंट हैव शुगर विद माई टी, मैं चाय में चीनी नहीं लेता हूँ, हैव। ठीक है, नेक्स्ट ममता डैश पास्ट वर्ल्ड हिस्ट्री
ममता हैज, ममता इतिहास का टेस्ट पास कर चुकी है, हिस्ट्री का टेस्ट पास कर चुकी है। वी आर सॉरी बट वी डैश टू लीव राइट नाउ, वी हैव टू लीव राइट नाउ। सारे बच्चे इसको बुक्स में पेंसिल से भरते जाएंगे। नेक्स्ट, द गेम डैश ऑलरेडी बिगन व्हेन वी अराइव्ड, द गेम हैड, ये पास्ट टेंस है इसलिए हैड का यूज होगा यहाँ। द गेम हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, ऑलरेडी बिगन व्हेन वी अराइव्ड। ही डैश एन आंसर टू एवरी क्वेश्चन, ही हैज एन आंसर, उसके पास हर एक प्रश्न का जवाब है। वी डैश लंच एट टू दिस आफ्टरनून, वी हैड लंच एट टू दिस आफ्टरनून, हम लोगों ने आज दोपहर 2 बजे लंच किया था। उसके बाद है C4 में, इन दीज सेंटेंसेस हैव हैज और हैड हैव बीन इनकरेक्टली यूज। इसमें कहा गया है कि ये सेंटेंसेस में हैज हैव और हैड का यूज किया गया है और वो भी इनकरेक्टली यूज किया गया है। राइट देम करेक्टली, उसको सही करके ठीक करके लिखिए। द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू, पहला आपके लिए किया गया है। माय ब्रदर हैव अ बाइक, तो यहां पर हैव नहीं होगा, हैज होगा। माय ब्रदर हैज अ बाइक। नेक्स्ट, पुनीत हैज टू सबमिट द असाइनमेंट यस्टरडे, क्योंकि पास्ट टेंस है तो यहां पर हैड का यूज होगा। पुनीत हैड टू। वी हैज इनफ टाइम इन आवर हैंड्स, वी के साथ हैज का यूज नहीं होता है, हैड का यूज होता है, सो हैड इज करेक्ट। यू हैव अ क्यूट डॉग नेम्ड जॉनी, किसी भी व्यक्ति के नाम के साथ हैज का यूज नहीं होता है, हैज का यूज होगा, ल्यूक हैज। नेक्स्ट, वेन एवर वी मीट वी हैड अ लॉट ऑफ फन, जब कभी भी हम मिलते हैं तो हम ढेर सारे मजे करते हैं। वेन एवर वी मीट वी हैव, यहाँ हैड नहीं होगा, हैव होगा, वी हैव अ लॉट ऑफ फन। शी हैव नो मनी buy a dress, she has, तो यहाँ had भी हो सकता है, ठीक है, has या had दोनों आप लिख सकते हैं इसमें। Next, I has to reach school early tomorrow morning. Has नहीं होगा यहाँ, have होगा। Have is correct. Next, my cousin had a good personality. Has a good personality. तो ये ऑडियो कैसेट्स इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी, एंड विच इज़ नॉट अवेलेबल विद अस राइट नाउ, तो ये हमारे पास उपलब्ध है नहीं। तो आइए देखते हैं आगे के। आई कैन अंडरस्टैंड द स्टोरी, मैं कहानी समझ सकता हूँ, उसमें टिक लगा देना है। आई कैन रिस्पॉन्ड ओरली और इन राइटिंग टू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द स्टोरी, और अगर आप कहानी बढ़िया तरीके से सुनते हैं
क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हैं या आप राइट करके लिख करके भी आप जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट इज राइट अहेड, रीड दिस स्टोरी। इससे पहले छोटा सा ये पेज नंबर 43 में देखिएगा, राइट एन ऑल्टरनेट एंडिंग टू दिस स्टोरी, वॉक इन पेयर्स, एक्सचेंज योर नोटबुक्स विद दैट ऑफ योर पार्टनर एंड गिव हिम हर फीडबैक। एक छोटा सा कहानी है, आइए देखते हैं। देव शर्मा वॉज अ ब्राह्मण हु यूज टू लिव विद हिज वाइफ इन अ सर्टेन टाउन। देव शर्मा एक ब्राह्मण थे जो कि अपनी पत्नी के साथ किसी जगह पर निवास करते थे, किसी एक जगह पर। दे हैड अ सन एंड अ बेबी मंगूस एज अ पेट। उन्हें एक लड़का था, एक पुत्र था और एक छोटा सा नेवला था पेट के रूप में, उन्होंने पालतू बनाया हुआ था। द ब्राह्मिन्स वाइफ फेड बोथ हर ओन सन एंड द लिटिल मंगूस, बाथ्ड देम टुगेदर एंड पुट ऑयल ऑन देम टुगेदर। उस ब्राह्मण की पत्नी दोनों को, यानी कि अपने बेटे को और उस छोटे से नेवले को की देखभाल करती थी, उनको स्नान कराती थी और एक साथ दोनों को तेल से मालिश वगैरह भी करती थी। शी वॉज अ फॉन्ड मदर फॉर बोथ ऑफ देम। वो दोनों के लिए, यानी कि अपने पुत्र और उस छोटे से नेवले के लिए, माँ के समान थी, वो उन्हें बहुत प्यार करती थी। बोथ हर सन एंड द मंगूस वर वेरी फॉन्ड ऑफ ईच अदर। दोनों, यानी कि उस ब्राह्मण का पुत्र और वो छोटा सा नेवला, एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, बहुत लाइक करते थे। हाउएवर शी वॉज नॉट अ फूल एंड नोइंग दैट द मंगूस वॉज एन एनिमल इन रियलिटी शी ऑलवेज केप्ट अ गार्ड। फिर भी चूंकि वो माँ थी तो वो समझती थी कि ये जानवर तो जानवर ही होता है, ये कभी भी मेरे बेटे पर अटैक कर सकता है, तो इसलिए वो अक्सर जो है उन दोनों का ध्यान रखती थी कि नेवला सही तरीके से है या नहीं है, कहीं ये उसको काट न ले, कहीं ये उसको मार न डाले, उसे हमेशा मन में डर रहता था। तो चलिए बच्चों, आज इतना ही रहने देते हैं, इसके आगे फिर नेक्स्ट डे करेंगे, ठीक है, कल। और चलिए इसके बाद हम लोग कल मिलेंगे, टुमारो एट द सेम टाइम। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।